Hello everyone, I am Som Daya. So today I welcome you on the Rural Fight YouTube channel. Once again I'm here with a new video. So today's video is very interesting video for you. So you have seen the thumbnail, thank you, sorry, a smart reply. So what can be the reply of the thank you and sorry? So thank you, sorry और ऐसी ही बहुत सारी phrases हैं जिनके हम reply करते हैं, लेकिन उनके reply का हमें कोई clue नहीं होता कि हम इनके reply को क्यों करते हैं और क्या क्या इसके replies हो सकते हैं, तो उन सब के बारे में आज हम जिक्र करेंगे या पढ़ेंगे इसके बारे में। चलिए आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर थैंक यू का रिप्लाई होता है वेलकम। लेकिन सबसे पहले ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि थैंक यू का रिप्लाई वेलकम ही क्यों किया जाता है, या फिर हम थैंक यू कब यूज़ करते हैं। जब आप किसी को अपना कोई काम बताते हैं और वो अपना काम कर देता है, तो उसके लिए हम कहते हैं धन्यवाद, थैंक यू कि आपने मेरा काम किया। ठीक है, अब जिसने अपना काम किया उसके पास भी कई सारे जवाब होते हैं थैंक यू के, तो उनमें से मैं कुछ दो तीन टॉप थ्री को लेता हूँ जो ऑलमोस्ट यूज होते हैं। तो उसमें कहते हैं वेलकम। वेलकम से वेलकम का मीनिंग तो है स्वागत, लेकिन इसकी सेंस कुछ और निकलती है, इसकी सेंस कुछ डीप सेंस होती है। तो इस इंग्लिश के अंदर इडियमेटिक लैंग्वेज होती है, इडियम्स का मीन्स उसकी हिंदी बनाएंगे तो कुछ निकलेगी, लेकिन सेंस कुछ निकलती है। तो यहाँ पे इसके सेंस ये कहती है कि आपको यदि मेरी कभी भी इस काम के लिए या किसी काम के लिए मेरी हेल्प चाहिए, तो मैं उसके लिए हमेशा तैयार हूँ, मैं आपका काम करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। तो उस सेंस में कहते हैं कि आपका स्वागत है। स्वागत मतलब आपको कभी मेरी फिर से ज़रूरत पड़े तो आप मुझे निसंकोच बुला सकते हैं या फिर कह सकते हैं। तो यदि आप इसी तरह की सेम फीलिंग लेते हैं या फिर सेम सोचते हैं, तो उस केस में आप कह सकते हो वेलकम, या फिर योर वेलकम भी कह सकते हैं। योर वेलकम और वेलकम दोनों सेम हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि थैंक यू जब कोई कहे, तो यदि आप उसको कोई काम ऐसा है जिसके लिए आप दोबारा भी रेडी हो, तो उसमें कह सकते हो वेलकम और योर वेलकम। क्योंकि वेलकम हर एक सेंटेंस में फिट नहीं बैठता है, हर एक सेंटेंस पे ज़रूरी नहीं है कि आप किसी ने थैंक यू कहा और आप कहो वेलकम। ठीक है, सपोज कि कोई बंदा गिर गया और आपने एकदम उठा दिया, तो आप उसको वो कहता है कि थैंक यू, तो आपका यहाँ पे ये कहना बनता नहीं है कि वेलकम, कि आपका स्वागत है कि आप फिर से गिरिए, मैं फिर से उठाने के लिए तैयार हूँ। नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा सेंस देखनी पड़ेगी हमें। तो चलिए दूसरी इसका जवाब के बारे में हम देख लेते हैं। तो इट्स माई प्लेजर, इट्स माई प्लेजर होता है कि इसी में मेरी खुशी है। ठीक है, जैसे आप आजकल की मैं बात कर लेता हूँ, आजकल गांव में कोरोना की वजह से नाके लगाए गए हैं कि ताकि बाहरी या फिर दूसरे गांव के या कोई भी नहीं आ जा नहीं सके, तो उसको रोकने के लिए। अब गांव वाले वहां पर ड्यूटी देते हैं, तो उन ड्यूटी देने वाला कह सकते हैं थैंक यू, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि वेलकम कहे बंदा, क्योंकि वेलकम तो आपको फिर से ज़रूरत पड़े तो मैं आपका आपके लिए रेडी हूँ, मतलब ज़रूरी नहीं, हम ये नहीं सोचते कि बीमारी दोबारा से आए। तो इसको हम अच्छे तरीके से कहने के लिए भी कह सकते हैं इट्स माय प्लेजर, इसी में मेरी खुशी है कि मैं यहाँ पे आपके लिए आपकी सेवा कर पा रहा हूँ, मैं अपने गाँव के लिए काम कर रहा हूँ, अपनी ड्यूटी दे रहा हूँ, तो ये क्या है इट्स माय प्लेजर। या फिर इस जगह पे ये भी कह सकते हो इट्स माय ड्यूटी, ये तो मेरा कर्तव्य है, इट्स माय ड्यूटी कि अपने गाँव को प्रोटेक्ट करना मेरा क्या है कर्तव्य है। तो इसके लिए आप इट्स माय ड्यूटी भी कह सकते हो, इट्स माय प्लेजर भी कह सकते हो। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा वेलकम, इट्स माय ड्यूटी, इट्स माय प्लेजर में क्या अंतर है और कहाँ पे आप इसको यूज़ करेंगे। तो लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट फ्रेज। नेक्स्ट है सॉरी। सॉरी कब कही जाती है? जब बेसिकली या तो आप कोई गलत करते हो, कुछ भी आपसे गलती हुई है उसकी आप माफ़ी चाहते हो, तो उस केस में आप कह सकते हो सॉरी। या फिर कई बार क्या होता है, जाने अनजाने में कई बार अपना बॉडी पार्ट्स किसी से टच कर जाए, जैसे हम जा रहे हैं और किसी से अपनी टक्कर लग जाए, किसी से हाथ टच हो जाए, या फिर कहीं पतली से रास्ते से गुजर रहे हैं और किसी चीज़ से टकरा करके वो गिर जाए, टूट जाए, तो उस केस में हम सॉरी यूज़ करते हैं कि मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए इट्स ओके, इट्स ओके कब कहना होता है? इट्स ओके जब आपको लगता है कि कोई बात नहीं, मतलब बिल्कुल नॉर्मल था, ठीक है, तो उस सेंस में आप कह सकते हो इट्स ओके। ठीक है, और नॉट मेंशन या मेंशन नॉट, ठीक है, मेंशन नॉट मेंशन और मेंशन नॉट दोनों एक ही चीज़ हैं।
मेंशन नोट, और इस नोट मेंशन का मतलब है कि कोई जिक्र ही नहीं है, कोई चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक दो दोस्त हैं और एक दोस्त से बाइक लेके गया और रास्ते में वो बाइक गिर गई, एक्सीडेंट हो गया, टूट गई, फूट गई, व्हाटएवर, कोई भी नुकसान हो गया। तो उसके लिए बाइक लेके गया वो बंदा, तो आकर के कहता है, दोस्त ये बाइक गिर गई, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, सॉरी। तो यदि आप अच्छी दोस्ती निभाना चाहते हो या फिर आप कहना चाहते हो कोई बात नहीं यार, दोस्ती से बढ़ के पैसा नहीं है या बाइक दोस्ती से ऊपर नहीं है, तो उस सेंस में भी कह सकते हो, नॉट मेंशन यार, जिक्र ही मत करना इस चीज़ का, जिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। हाँ, यू शुड बी, यू बेटर बी, यू शुड बी, यू शुड बी का मीन्स तुम्हें होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शर्मिंदा होना चाहिए जब आपको लगता है कि किसी ने जानबूझ के कोई गलती की है। कई बार क्या होता है कि हम फिल्मों में देखते हैं या फिर हम वैसे ही देखते हैं अपनी डेली लाइफ में, तो कई बच्चे शरारती होते हैं, वो जानबूझ के टक्कर मार कहते हैं, ओह सॉरी 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 सॉरी। तो इन दैट सेंस वी कैन से यू शुड बी, आपको शर्मिंदा होना चाहिए, ये चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और यदि आप उसे ये कहना चाहते हो कि ये गलती तो आपसे हो गई, लेकिन आगे ऐसी गलती मत करना या फिर इसे कुछ सीख लेना, तो इन दैट सेंस वी कैन यूज़ यू बेटर बी, यू बेटर बी। यू बेटर बी का मीन्स कि आप कुछ सीख लो इससे, या इस आप अच्छे बनो, ठीक है, आप और कुछ सीखो इससे, सो यू बेटर बी, ठीक है। सो लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट। नेक्स्ट है एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी को हम एक्सक्यूज मी बोलते हैं, शॉर्ट में एक्सक्यूज मी बोलते हैं। एक्सक्यूज मी का मीन्स ये भी एक लिटिल बिट पार्डन ही होती है। लिटिल बिट पार्डन का मतलब थोड़ी ही हल्की सॉरी होती है। जैसे आप कहीं जा रहे हो और आपका कोई टाइम फिक्स किया 9 बजे जाना है और 9 बजे से कुछ टाइम ऊपर हो गया, तो उसके लिए आप सॉरी ना कह के एक्सक्यूज़ मी भी कह सकते हो, एक्सक्यूज़ मी भी कह सकते हो। तो ये एक लिटिल बिट सॉरी होती है, या फिर इसको हम मोस्टली किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए भी हम कहते हैं, किसी को अट्रैक्ट करने के लिए भी कहते हैं। जैसे दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं, उनसे अपना ध्यान आकर्षित करवाना है अपनी तरफ, तो वहाँ पे भी आप कह सकते हो एक्सक्यूज मी, ठीक है। तो एक्सक्यूज मी के लिए हम कह सकते हैं श्योर या यस प्लीज़। श्योर का मीन्स जैसे दो बंदे बात कर रहे हैं और आपने कहा एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी का मतलब मैं माफ़ी चाहता हूँ आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करना चाहता हूँ। तो यदि बंदा उससे बात करने के लिए एग्री है तो कह सकता है या श्योर प्लीज़ या फिर यस प्लीज़, तीनों ही रिप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप उनको टाइम नहीं देना चाहते हो तो आप इसके जवाब में भी कह सकते हो सॉरी वेट, ठीक है। सो लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट। वुड यू लाइक टू टेक अ कप ऑफ टी, क्या आप चाय लेना चाहेंगे? कोई भी जनरली आपके घर में कोई रिश्तेदार आता है, कोई फ्रेंड आता है, तो उससे सबसे पहले हम पानी या चाय पूछते हैं, तो उसको इंग्लिश में पूछने के लिए हम कह सकते हैं वुड यू लाइक टू टेक अ कप ऑफ टी। और टी की जगह आप कॉफ़ी भी कह सकते हो, जूस भी कह सकते हो, वट एवर यू लाइक, जो आपकी इच्छा वो कह सकते हैं, ठीक है। सो इसके लिए यदि आप लेना चाहते हो तो कहेंगे यस आई विल, हाँ मैं लूँगा, और यदि आप नहीं लेना चाहते सो नो थैंक्स, ठीक है। और थैंक्स किस लिए? बिकॉज किसी ने आपसे कुछ पूछा, कोई चीज़ ऑफर की, तो थैंक्स तो बनता है, तो इसलिए हम उसे कहेंगे नो थैंक्स। अकेला नो कहोगे तो थोड़ा सा ओड सा लगेगा, इसलिए आप इसे नो थैंक्स कहिए, नो थैंक्स इज द बेटर। सो लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट। वुड यू लाइक टू वॉच टीवी, तो क्या आप टीवी देखना पसंद करेंगे? ये सेंटेंस कई बार अपने घर पे कोई दोस्त आता है, कोई मेहमान आता है, तो वो चुपचाप बैठा होता है, तो उसे हम पूछ लेते हैं वैसे फॉर्मली, क्या आप टीवी देखना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू वॉच टीवी? हाँ, तो यदि पसंद है तो यस आई विल, अदरवाइज नो आई वॉन्ट, या फिर नो आई नो थैंक्स, नो थैंक्स भी कह सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट। तो यदि कहीं मूवी देखने का प्लान हो और मूवी देखने के लिए किसी को इनवाइट करना हो, तो आप कह सकते हो वुड यू लाइक टू गो फॉर अ मूवी, वुड यू लाइक टू गो फॉर अ मूवी, क्या आप मूवी देखने चलेंगे या फिर क्या मूवी देखना पसंद करेंगे? सो इन दैट सेंस वी कैन से ऑफ कोर्स लेट्स गो, हाँ बिल्कुल यार चलो आओ चलते हैं अभी। जब बिल्कुल बंदा रेडी ही बैठा हो, तैयार ही हो कि ये तो बस मेरे को कहे मूवी देखने के लिए चलने के लिए और मैं तैयार ही बैठा हूँ, तो इन दैट सेंस वी कैन से ऑफ कोर्स लेट्स गो, ठीक है। और यदि आपको आपको कोई काम है, आप नहीं जाना चाहते हैं, सो यू कैन से नो थैंक यू, या फिर यदि किसी चीज़ को मना करना हो तो आप उसमें कह सकते हैं सॉरी आई हैव वर्क, सॉरी आई हैव वर्क, ठीक है। सो हाउ मे आई हेल्प यू, सॉरी 7 सेंटेंस है, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ?
यदि आपको किसी की सहायता लेने की ज़रूरत है तो आप कह सकते हैं ओ यस थैंक्स। थैंक्स इसलिए कि उसने आपकी सहायता करने की सोची, आपकी सहायता के लिए तैयार हो रहा है, तो इसलिए थैंक्स तो बनता है। नो थैंक यू, नो नहीं, थैंक यू वहाँ पे इसलिए क्योंकि आपको उसकी तरफ से ऑफर मिल रहा था तो उसने आपके बारे में सोचा, तो इसलिए यहाँ पे आप कह सकते हो नो थैंक यू या नो थैंक्स। और अमेरिकन फ्रेज में इसे मे आई हेल्प यू आउट भी बोलते हैं, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, ये मे आई हेल्प यू आउट इन दैट सेंस यूज़ करते हैं जब कोई किसी मुसीबत में फंसा हुआ हो, सो उसमें कहते हैं कि मे आई हेल्प यू आउट, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ इस मुसीबत से बाहर निकालने में। ओके सो इन दैट सेंस वी कैन यूज़। सो लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट, हाउ मे आई हेल्प यू, ये तो बिल्कुल जनरल हो गया कि हाउ मे आई हेल्प यू, मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ। ठीक है, यदि कोई बंदा आपके पास प्रॉब्लम लेकर के आता है, आपकी आप उसकी प्रॉब्लम सुन करके उसके बाद में कहते हो कि मेरे से क्या एक्सपेक्ट करते हो, मैं आपकी कैसे सहायता करूं, तो उसको आप इंग्लिश में कह सकते हो हाउ मे आई हेल्प यू। ठीक है, तो उसके जवाब में कह सकते हैं प्लीज़ गिव मी राजेश कॉन्टैक्ट नंबर। किसी ने पूछा कि मैं आपकी कैसे सहायता करूँ, तो आप उसको अपना रीज़न बता सकते हो कि आप मुझे एक बार राजेश का कॉन्टैक्ट नंबर दे दो, या फिर आप मुझे अपनी बाइक दे दो, या आप मुझे कोई भी हेल्प आपको चाहिए वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मैंने बेसिक बेसिक चीज़ यहाँ पे ऐड की है, प्लीज़ गिव मी राजेश कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट, कैन यू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़। जब आप किसी घर जाते हो या अपने घर पे भी होते हो तो किसी से भी आपको पानी के लिए पूछना है, सो आप कह सकते हो कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है। तो मैंने जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है, तो पानी के मामले में कोई मना नहीं करता, तो उस केस में हम यूज़ कर सकते हैं श्योर। ठीक है, कोई नहीं कहता कि नो, मोस्टली मैंने 99.99 केसेस में मैंने श्योर ही कहा है, पानी के लिए कोई मना नहीं करता, तो इसलिए मैंने इसका नेगेटिव रिप्लाई नहीं लिखा है। लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, मे आई हैव योर पेन प्लीज़। यदि आपको कोई भी चीज़ किसी से लेनी है, आपकी पेन लेना है, बाइक लेना है, कोई पेंसिल लेनी है, कोई भी स्टेशनरी या कोई भी चीज़ लेनी है, तो ये सेंटेंस आपके लिए बिल्कुल फिट बैठेगा, बस पेन को उठा करके जो चीज़ चाहिए वो रख सकते हो। मे आई हैव योर पेन प्लीज़, मे आई हैव योर बाइक प्लीज़, मे आई हैव योर हैंकी प्लीज़, मे आई हैव योर वॉलेट प्लीज़, कुछ भी आपको किसी से लेना है तो उस सेंस में यूज़ कर सकते हो मे आई हैव योर पेन प्लीज़। तो क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, यदि आप देने के मूड में हो, ओ श्योर वाई नॉट, वाई नॉट का मतलब जी बिल्कुल क्यों नहीं ले सकते, ले सकते हो, इट्स योर राइट, आपका अधिकार है। ठीक है, यस यू कैन, हाँ आप ले सकते हो। और यदि कोई चीज़ ऐसी मांगी आपने, जैसे किसी ने कहा मे आई हैव योर बाइक प्लीज़, तो आप कह सकते हो यस हाँ आप ले सकते हो, बट मुझे ड्यूटी जाना है तो 1 घंटे बाद मैं ड्यूटी जाऊंगा। सो इस सेंस में कह सकते हो यस यू कैन बट फॉर 1 आवर ओनली, फॉर 1 आवर ओनली। ठीक है, या फिर मना करना है तो आप कह सकते हो आई एम सॉरी आई एम वर्किंग विद इट। ठीक है, किसी ने पूछा कि मे हैव योर मोबाइल प्लीज़, तो आप कह सकते हो आई एम सॉरी आई एम वर्किंग विद इट, मैं इस पे काम कर रहा हूँ। ओके सो ये थे आज के 10 ऐसे फ्रेजेस जो हम डेली बेसिस पे बहुत यूज़ करते हैं और बहुत इफ़ेक्टिव रोल अदा करने वाले हैं आपकी लाइफ में। यदि आपको ये मेरे मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आ रही है, तो इसको अपने नियर डियर, अपने भाई बहन या फिर किसी जो भी आपके नियर डियर हैं, सभी को पहुँचाने की पूरी पूरी कोशिश करना, ताकि मैं आगे भी और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आता रहूं, और ये जो जानकारी है मैंने आपके पास पहुंचाई है, ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हम बांटेंगे उतना ही हमारा भी ज्ञान बढ़ेगा और लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होने वाला है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय द टाइम टेक केयर, बी हैप्पी एंड स्टे होम, थैंक यू।